गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की जो मूल शिक्षा है वो है नाम जपो, कीरत करो ते वंड छको। नाम जपो मतलब हमेशा ईश्वर के नाम का सिमरन करते रहो ताकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। कीरत करो मतलब कड़ी मेहनत से काम करो और कड़ी मेहनत से काम करने पर कमाया पैसा ही आपके परिवार के लिए फलदायी होगा। और वंड छको मतलब मिल बांट कर खाओ। दोस्तों सिख धर्म के लोग गुरु के दिए गए इन नियमों का तन मन धन से पालन करते हैं। दोस्तों कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सिख समुदाय को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा सम्मानित किया है। दोस्तों सिख हमेशा संकट आने से पहले तैयार रहते हैं और सिख धर्म में ये कहा जाता है एकता, समानता और सेवा का भाव रखो। और सिख धर्म हमेशा एक बात समझाता है कि जुल्म करना पाप है, वैसे ही जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। सिख धर्म में हर पुरुष सिंह होता है और हर महिला कौर होती है। और आपने देश की आजादी में सिख धर्म के लोगों के द्वारा दी गई शहादत के बारे में बहुत पढ़ा होगा। आज मैं आपको सिख धर्म की देश परस्ती के बारे में एक बात बताने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये बात है सन 1962 की और सन 1962 के समय के एक इतिहासकार जिनका नाम एम राजीव लोचन है, उन्होंने एक अपने आर्टिकल में, जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया। लंबे संघर्ष और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद भारत देश आजाद हो गया था और आजाद होने के बाद वो अपनी आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ी रहा था कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ऐसे नाजुक समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस समय की सरकार ने NDF मतलब नेशनल डिफेंस फंड की स्थापना की और देशवासियों से एक अनुरोध किया कि आप दिल खोलकर नगद व सोना दान करें ताकि हम आर्थिक रूप में मजबूत हों और देश को प्रगति की ओर ले जाएं और चाइना से युद्ध में हमें सहायता मिले। देश पर आए संकट के इस नाजुक समय में प्रत्येक राज्य के देशवासी ने खुलकर नगद व सोने के रूप में भारत का सहयोग किया और उस समय सिख समुदाय और पंजाब के लोगों द्वारा दिए गए योगदान को देखकर पूरा भारत दंग रह गया। NDF यानी नेशनल डिफेंस फंड के आंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर 1962 को पूरे भारतवर्ष से जो कलेक्शन आया वो 8 करोड़ रुपए का था और उस 8 करोड़ की राशि में 46% का जो रिवेन्यू रिसीव हुआ वो केवल पंजाब और सिख समुदाय से हुआ। मतलब 8 करोड़ में से 3.68 करोड़ रुपीस केवल पंजाब और सिख समुदाय ने दिए। पूरे देश से जो गोल्ड योगदान के रूप में प्राप्त हुआ था वो 257 किलो 32 ग्राम था, जिनमें से अकेले पंजाब ने 252 किलो सोना, गहने और वो गोल्ड मेडल जो महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में लोगों ने जीते थे वो भी शामिल थे, जिनकी गिनती 12,000 थी। इसके अलावा पंजाब के शिक्षा विभाग ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को, जिनमें 2,00,000 लड़कियां भी शामिल थीं, फौज की ट्रेनिंग दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो जंग के मैदान में जा सके और दुश्मनों को धूल चटा सके। इसे कहते हैं असली देश परस्ती। दोस्तों आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी का कहर है। लोग हर जगह मर रहे हैं, दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शमशान घाट में भी लाशें अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रही हैं और आज भी सिख समुदाय हर तरह से सेवा करने में तत्पर है, चाहे वो जरूरतमंदों को दवाइयां उपलब्ध कराने से लेकर हो या ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल से लेकर मरीजों तक पहुंचाने से लेकर हो, मरीजों के परिजनों को सहायता करने से लेकर भोजन उपलब्ध कराने तक हो। सिख समुदाय हर तरह से तत्पर है और निडर होकर उनकी सेवा में सबसे आगे खड़ा है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बंदे अपनी जान की परवाह किए बिना सदियों से मानवता की सेवा करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। गुरु नानक देव जी की मूल शिक्षा का अनुसरण सिख समुदाय का हर व्यक्ति कर रहा है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देश के हर नागरिक के साथ शेयर करें ताकि वो भी सिख समुदाय की तरह कंधे से कंधा मिलाकर हर समस्या में देश के साथ खड़ा हो और एक मानवता की सच्ची मिसाल दे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच।
सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियाण पालक हो है ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।